राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव वाली सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। बीते दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के किए हुए काम गिनवाए और कहा कि हमने कॉलेज खोले उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने पंचायतें बनाई बीजेपी सरकार उसकी भी समीक्षा कर रही है, हमने जिले बनवाए और उसकी भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सलुम्बर जिला बनाना चाहिए था या नहीं। जब सलुम्बर जिला बनाकर आपका हक दिया तो आज मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कह रहे हैं कि सलुम्बर जिला समाप्त करेंगे। डोटासरा ने कहा कि आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 नवंबर को यहां से चटका दिखा दीजिए, सलुम्बर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेज दीजिए, सलुम्बर जिला बंद नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि डोटासरा ने क्या कुछ कहा। रेशमा मीणा जी ने अपने भाषण दिया, अच्छे सदैव शब्दों में कहा कि मेरी कार्यशैली आपने देखी है, प्रधान के रूप में मैं सबको साथ लेकर के चलूंगी, सबका सम्मान करूंगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मंच पे बैठे हुए नेता और सामने बैठी हुई जनता और जो नहीं आए वो कार्यकर्ता, सबने तय कर दिया है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रेशमा मीणा इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके जाएगी। हमारी जो कॉलेजें खोली हुई थी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने पंचायतें खोली समीक्षा कर रहे हैं, हमने जिले बनाए समीक्षा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सलुम्बर जिला बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था। जब आपका हक दिया कि सलुम्बर जिला बने, आज मुख्यमंत्री जी और उसके अधिकारी कह रहे हैं कि सलुम्बर जिला समाप्त करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 1-13 तारीख को चटका दिखा दीजिए इनको, यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चिता करके भेज दीजिए, ये सलुम्बर जिला बंद नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम कर। तो आपने सुना कि डोटासरा ने क्या कहा। दरअसल सलुम्बर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा है। शांता देवी मीणा दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी है। अमृतलाल मीणा के देहांत के बाद सलुम्बर सीट खाली हो गई थी, अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर रेशमा मीणा को टिकट दिया है और भारत आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह होगा कि यहां पर कौन बाजी मारता है। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा।